हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आई नो मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। मैं भी बहुत सारे काम में व्यस्त थी, आपको पता ही है न्यू हाउस में हम शिफ्ट हो चुके हैं तो थोड़ा सा काम तो बढ़ ही जाता है, इसलिए हमें बहुत सारा टाइम लग गया ये वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं न्यू होम में अपना मंदिर अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया है, एक बहुत बड़ा चेंज किया है वो मैं शो करती हूँ टेंपल के अंदर ही। अभी कोई भी नया टेंपल नहीं बना है, जो टेंपल मेरे पास था वो सागवान का था, टी कूट का था, तो वो बहुत ही सुंदर था, तो उसको मैंने बिल्कुल ही चेंज नहीं किया है। बस थोड़ा सा एडिशनल उसमें एक स्टेप लगाया है, मैं शो करती हूँ आपको। तो यहाँ पे मंदिर क्लीन हो चुका है, अंदर इस तरीके से सारे आसन मैंने लगा दिए हैं प्रभु जी को विश्राम करने के लिए, उनका यहाँ पे विराजमान करने के लिए बनाया है। क्या ये एक स्टेप आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके का पूरा यहाँ से लेकर के एंड तक है, क्योंकि मंदिर था छोटा तो इसलिए थोड़ा सा अरेंजमेंट हमें करना ज़रूरी था, तो ये अरेंज मैंने कर दिया है। यहाँ पर भी पीला प्लेन साटिन का आसन हमने लगाया है हमारे प्रभु जी के लिए। क्लीनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी प्रभु विराजमान नहीं हुए हैं, एक एक करके उनको विराजमान करते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे होगा। पहले मैं इस पे भगवान जी को विराजमान कराऊंगी और शो करूंगी कि ये स्टेप कैसा लग रहा है और साथ में इधर क्या क्या रहेगा और कौन से प्रभु हमारे किस जगह पर विराजमान हैं। तो मैंने विराजमान कर दिया है हमारे ठाकुर जी को और श्रीमती राधा रानी को। तो ये देखिए उनका प्यारा सा सुंदर सा स्वरूप, कितने सुंदर मन भावन लग रहे हैं। साथ में विराजमान करते हुए वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आराम से विराजमान कर दे रही हूँ ताकि विग्रह को कुछ परेशानी ना हो और कुछ गिरे नहीं टूटे नहीं, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतना होता है कुछ भी मंदिर के क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो अब दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैं कैसे किन भगवान जी को यहाँ विराजमान कर रही हूँ। अब यहाँ पर विराजमान हो गए हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता, बजरंग बली और लक्ष्मण जी। ये सारी मालाएं मैं ठीक कर दूंगी अच्छे से, और इधर हमारी मैया रानी, माता रानी विराजमान हुई हैं, इस तरीके से विराजमान किया है। अब मैं आगे शो करती हूँ। और यहाँ पर विराजमान हो गए हैं कौन, ये उनका अच्छे से आसन बिस्तर लगा दिया गया है, ये है हमारी कृष्णवी और कान्हू, लड्डू गोपाल और श्रीमती राधा रानी। तो ये है उनका स्वरूप, इनको भी अच्छे से बिठाएंगे, धीरे धीरे मैं आपको शो करूंगी। तो हमारा इस तरीके से भगवान जी विश्राम कर रहे हैं मंदिर में। और ये है हमारे प्यारे से क्यूट से मुकुंद बाबू। तो तीनों लल्ला लाली यहीं पर विराजमान हैं और आराम से इनको बहुत सारी स्पेस इधर मिल गई है। तो आप देख सकते हैं सबका तकिया, बेड सब कुछ अच्छे से लगा हुआ है। और यहाँ पर रहेंगे शिवलिंग महाराज, उनकी स्थान इधर ही है, उनका स्थान इधर ही है। और इधर है हमारे भोले बाबा और ये है हमारे गणपति भगवान, श्री लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया। और ये सब आपको आपने पहले वीडियोस में देखे हैं, चांदी का पान है, चांदी का सिक्का है, नारियल है, लौंग, इलायची, सुपारी और अक्षत, इसमें अक्षत है। फिर बाद में क्लीन करने में दिक्कत होती तो इसलिए मैंने ऐसे ही है। और ये लक्ष्मी हार है। इधर विराजमान है शिव शंभू भोलेनाथ शिवलिंग और उनका त्रिशूल, नाग,
मोतियों की माला और रुद्राक्ष की माला सब कुछ। तो कुछ इस प्रकार मंदिर ऑर्गेनाइज हुआ है और कितना अद्भुत कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। बाकी डिटेल्स या मंदिर का सेकेंड पार्ट, बाकी चीज़ें, भगवान के चरण, कछुआ महाराज और गौ माता, ये सब कैसे रखे हुए हैं, कैसे पूजा हुई है, वो वीडियो इसके सेकेंड पार्ट में आएगा। तो चलिए, आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। जैसे ईश्वर की आज्ञा होती है हम सब तो वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। तो ईश्वर की सेवा में लगे रहिए और नित्य राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, जो भी ईश्वर आपके प्रिय है, आप जिनके भी साधक हो, उनका नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।